अक्सर कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, खासकर मौसम बदलने पर। वो जल्दी ही इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो शरीर रोगों से लड़ने की ताकत खो देता है और हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। कुछ लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की दवा से इस समस्या का इलाज करते हैं, पर हम इम्यूनिटी बढ़ने के लिए घरेलू नुस्खे और उपाय से आसानी से घर पर इलाज कर सकते हैं। हवा में कई प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो सांस लेने पर हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, पर हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें खत्म करके हमें रोगों से बचाता है। पर जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तब ये वायरस शरीर में बढ़ने लगते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार होना इसकी एक पहचान है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, वो है ग्रीन टी और ब्लैक टी। इम्यून सिस्टम के लिए दोनों ही फायदेमंद है। हर रोज इनके 1 से 2 कप पीना आपकी इम्यूनिटी के लिए रामबाण इलाज हो सकता है। ध्यान रहे, इसके ज्यादा सेवन से नुकसान भी हो सकता है। कच्चा लहसुन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय में घरेलू दवा का काम करता है। इसमें विटामिन ए, ई, जिंक और सल्फर होता है जो इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में उपयोगी है। बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए विटामिन सी बहुत फायदेमंद है। आंवले और नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आयुर्वेदा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, शिलाजीत, शतवरी, तुलसी, मुलेठी, हल्दी और गिलोय का प्रयोग किया जाता है जो आयुर्वेदिक दवा की तरह काम करते हैं। योगा और एक्सरसाइज शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने में काफी मददगार है। इसके साथ साथ ये बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करते हैं। मोटापा ज्यादा होना या फिर वेट कम होना भी कमजोर इम्यूनिटी का ही एक कारण है, इसीलिए वेट को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। विटामिन डी से बॉडी को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है और साथ ही ये हड्डियां मजबूत करने, दिल के रोगों को दूर रखने में भी असरदार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you.